तो फ्रेंड्स हाँ ये रही रोहू मछली, ठीक है चलिए इसे निकालते हैं और इसे डालते हैं हम कढ़ाई में, इसे इसी में धोएंगे। ये अंडा भी है, अंडा भी, अंडा अंडा हमने देखे। इस अंडा में क्या क्या मिला है, एक प्याज काटा है चॉप करके और हरी। तो ये फ्रेंड्स हमने इसमें मसाला भी डाल दिया, एक ही बार मसाला डाल दिया क्योंकि मतलब ये पानी डालने का समय आ चुका है दोस्तों, नीचे जल रहा है, अब मसाला जल जाएगा नहीं तो। फ्रेंड्स तो मछली बन के हो चुका है रेडी, हमने गैस के फ्लेम को ऑफ करके गैस को साइड करके रख दिया है और अभी हम वेलकम टू रिंकू अनिल व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम दोपहर में नहीं सुबह सुबह वीडियो बना रहे हैं और आज हमारा खाना भी नहीं बना है, तो सैंडी के पापा आज बाहर ही खाएंगे, आज उनका मीटिंग है कहीं पे, तो बोल रहे थे कि मैं वहीं पे खाना खाऊंगा आज, तो बोल के गए मछली लेके आना ठीक है और बना के रखना, मैं रात को आके खाऊंगा मछली। तो अभी हमें जाना है मछली लाने के लिए, अभी सुबह के 8:30 बज चुका है और मम्मी जी पार्क में गई घूमने के लिए, तो मतलब मैं रेडी तो हूँ जाने के लिए। सन भी सो रही है, बंटू भी सो रहा है, तो मतलब घर में कोई होना चाहिए और मम्मी जी के लिए पनीर लेके आएंगे। तो दाल हमारा बन चुका है दोस्तों और मैं यहाँ पे काट रही थी प्याज, हमारा आलू भी बन के बॉईल हो के मतलब बॉईल हो चुका है आलू, तो सब्जी में हम मतलब आलू पनीर बनाने वाले हैं। और क्या है कि मतलब प्याज अभी तक मम्मी जी आई नहीं है, तो तब तक सोच रही थी कि मैं प्याज अपना काट लूँ, मतलब जितना सारा काम है तब तक खत्म कर लूँ, जाके फिर आएंगे और पहले सब्जी बना देंगे। चावल भिगो के रख दिए हैं, बस मम्मी जी आ जाए और हम निकल जाएंगे फटाफट, यहीं से जाके लेके आना है, दूर थोड़ी ना जाना है, 5 मिनट में जाके चले आएंगे। तो बोल रहे थे सन्नी के बारे कौन सा मछली था, रोहू मछली लेके आना, उस दिन नाम है मतलब मछली को पहचान नहीं पाई थी, पता नहीं कौन सा मछली था उस दिन, अच्छा ही नहीं लग रहा था, मैम बोल रहे थे ना आपको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो उधर से जाके लेके आए थे हम उस दिन। और अभी हम मतलब डेली जहाँ से लेके आते हैं यहाँ से मतलब क्रॉप मार्केट के मतलब थोड़ा आगे वहाँ से हम लेके आते थे, तो अभी वहीं पे जा रहे हैं, भगवान करे वो खुला रहे। और आज क्या है कि यहाँ पे मतलब चुनाव है, वोट चल रहा है, तो सब वोट देने के लिए जा रहे हैं, पता नहीं अभी वो खुला होगा या नहीं, मुझे नहीं पता। चलिए फिर मम्मी जी आ जाए तो हम निकलेंगे, तब तक हम अपना प्याज काट लेते हैं। सानवी अभी भी सो रही है और मैं यहाँ पे सुन रही थी अरिजीत सिंह का गीत। तो क्या है ना कि दोस्तों वैसे मैं पॉज कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, अरिजीत सिंह का सॉन्ग मुझे इतना ज्यादा पसंद है, आप मुझसे बहुत 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 ज्यादा। चलिए प्याज काट लेते हैं अपना ठीक है, चलिए फ्रेंड्स निकलते हैं और जल्दी जाके आते हैं ठीक है, मैं लेके आऊंगी चॉकलेट ठीक है, पैसा नहीं है देखो। तो हो रहा मछली का दुकान, चलिए अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हम घर आ चुके हैं ठीक है, और हमने लिया है दो पनीर लिए, मम्मी जी के लिए दो पनीर, टमाटर लेके आए हैं, सब रेडी करके गए थे ठीक है, तो मछली भी लेके आए हैं, पहले हम इधर ये बना ले उसके बाद चलेंगे मछली बनाने के लिए ठीक है, जल्दी जल्दी बना ले, 10 बज चुका है, आधा पौन घंटा लग गया मुझे जाके आने के लिए, पैसा निकाली फिर मछली ली फिर पनीर ली फिर टमाटर ली फिर उधर से घूम के आई, टाइम लग गया, चलिए फटाफट बनाते हैं ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारी सब्जी बनके हो चुकी है रेडी और मम्मी जी को हमने खाना काट के भी दे दिया है, खाना निकाल के यहाँ पे टमाटर कट करके रखे हैं और यहाँ पे रह गया हमारा सरसों पीस के रखे हैं, सरसों है लहसुन है थोड़ी वो हरी मिर्च है 3-4 ठीक है। और हम जा रहे हैं अभी मछली धोने के लिए, तो आज भी मछली को धोते हैं निकाल के, शांति आ जाओ ठीक है, आ जाओ वीडियो बना दो तुम, शांति वीडियो बना के आपको दिखाएगी ठीक है, आज रेसिपी हम बताएंगे आपको अपना बिहारी स्टाइल वाला, आ जाओ। तो फ्रेंड्स हाँ
ये रही रोहू मछली, ठीक है चलिए इसे निकालते हैं और इसे डालते हैं हम कढ़ाई में, इसे इसी में धोएंगे। ये अंडा भी है, अंडा भी, अंडा अंडा बड़ा बड़ा पीस बना लिया है, देखिए कितना सारा अंडा है बेटा, देखिए एक पाव जितना तो अंडा ही निकल गया है, वो प्लेट दो, कितना एक पाव जितना तो अंडा ही निकल गया है, पीस कितना है पता है आपको? ये दो हो गया इसका सीड, हाँ। और पीस है इसमें चार पांच पीस है और तीन चार तीन पेटी है पेट वाला, और इतना तो अंडा ही निकल गया है। चलिए फिर इसे धो लेते हैं हम, कितना सारा अंडा निकल चुका है देख रहे हैं आप सब, लग रहा है इतना और रहता ना तो आधा केजी का तो अंडा ही हो जाता, एक केजी है इतना में आधा अंडा ही निकल गया। चलिए फिर धोते हैं इसे फटाफट, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा मछली यहाँ पे, मतलब हमने इसमें नमक हल्दी लगा के इसे मतलब मिला लिया है, इधर हमने तेल डाला है कढ़ाई में गर्म होने के लिए, और आज हम आपको इस अंडा का मतलब कुछ अलग ही तरीका से इसे हम फ्राई करने के बारे में बताएंगे। अभी हमने इसमें नमक और हल्दी डाला है, तो क्या करेंगे हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और बाद में हम इसे क्या क्या मिला इसमें क्या क्या मिलाने वाले हैं, नमक हल्दी तो इसमें हम क्या क्या मिलाने वाले हैं वो हम आपको बताएंगे। तब तक पहले हम इसमें कढ़ाई में वो मछली डाल दें, फ्राई होता रहेगा, फिर उसके बाद हम इसके लिए रेडी करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक मछली फ्राई करते, मछली फ्राई हो जाए उसके बाद इस अंडा को हम इसका इंतजाम लगाएंगे, ठीक है। चलिए हम दिखाएंगे आपको इसमें हम क्या क्या मिलाने वाले हैं, पहले हम मछली फ्राई कर लें उसके बाद। हमने देखिए इस अंडा में क्या क्या मिलाया, एक प्याज काटा है चॉप करके, और हरी मिर्च, और एक हरी मिर्च सूख गया था वो लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च बन गया था, तो तीन हरी मिर्च काट के डाला है हमने इसमें, और एक प्याज चॉप्ड करके, और इसमें थोड़ा सा हम बेसन डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे, ठीक है। तब तक ये हमारा अभी एक घानी भी नहीं निकला है, अभी तबाखी है, तो ये सब फ्राई कर लें उसके बाद हम ये दिखाएंगे उसके बाद आपको, ठीक है। तो पहले मछली फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद इसका हम आपको बताएंगे कैसे बनाना है। फ्रेंड्स हमने इसमें थोड़ा सा बेसन और सूखी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और आगे मतलब जो भी डाला था वो तो आपको हमने दिखाई दिया था, प्याज हरी मिर्च नमक हल्दी यही सब डाला था, और अभी सूखी लाल मिर्च का थोड़ा पाउडर और बेसन डाला है, तो चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये देखिए कैसा निकला है, एकदम है ना कचरी जैसा, इसे हम झोल में डालेंगे, एकदम मतलब झोल में चला जाएगा, इसमें झोल भींग जाएगा अच्छे से, ग्रेवी तो इतना मस्त लगेगा हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। और हम एक खारे ऐसे तोड़ के देखिए अंदर एकदम पक चुका है, और एक घानी और है इसे भी निकाल लेते हैं, तो फिर बंटू को खिला देंगे और हम इसमें ग्रेवी लगा देंगे, ठीक है। फ्रेंड्स हमने इसमें डाला है तेल, एकदम गर्म हो चुका था, सूखी लाल मिर्च देखिए थोड़ा ज़्यादा लाल हो गया, जीरा डाला, सूखी लाल मिर्च डाला, थोड़ा सा फोरन में हमने वो सरसों डाला और टमाटर डाल दिए। चलिए मसाला लेके आते हैं, ठीक है, तब तक ये फ्राई होता रहे। और ये देखिए इतना ग्रेवी बना देंगे, ग्रेवी में डाल देंगे और इतना रख देंगे संडी के पापा के लिए, तो ये वाला नहीं ये मोटा वाला है, इतना ग्रेवी में डाल देंगे और दो हम खाएंगे, दो संडी के लिए, दो संडी के पापा के लिए, संडी को एक तोड़ के दिए, एक को मैं खा ली हूँ, मैं की खाऊंगी, ये सब संडी के पापा के लिए, और ये इतना बचा है आधा वाला, तो इसमें से मैं एक खा लूँगी तो रह जाएगा कितना पाँच रह जाएगा, तो वो संडी के पापा के लिए हो जाएगा। और चलिए टमाटर फ्राई हो रहा है उधर, तब तक हम इसमें मसाला डाल लेते हैं। आ गई बेटा, बंटू रो रहा है, सूखी लाल मिर्च का पाउडर दो चम्मच से थोड़ा कम, धनिया पाउडर,
धनिया पाउडर इसमें खत्म हो रहा है, ये 2 चम्मच है, ये भी थोड़ा कम। और चलिए इसमें थोड़ा हल्दी डालते हैं, ज्यादा हल्दी नहीं डालना है क्योंकि हम मछली में भी डाल के फ्राई किए थे। चलिए लेके चलते हैं इसे। देखिए टमाटर फ्राई हो चुका है, गलने लगा है एकदम से। इसमें मसाला डाल दीजिए, मसाला के साथ भूनता रहेगा ये। बंटू भी रो रहा है, बताओ क्या चाहे, क्या चाहे। तो ये फ्रेंड्स हमने इसमें मसाला भी डाल दिया, एक ही बार मसाला डाल दिया क्योंकि मतलब ये उधर नॉनवेज बनता है, इधर वेज बनता है, नॉनवेज बनता है, तो दोनों को मतलब अलग अलग करके बनाना रहता है, इसलिए हम मसाला इसी में डाल दिए थे। अब चलिए तब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक हम दूध बना के बंटू को पिला देते हैं, ठीक है। इधर देखो, इधर इधर सनबी कैसा है, ये तुम्हारा दूसरा है ना, आधा इधर तोड़ के रखिए, थोड़ा गर्म है ना, खा के दिखाओ, खा के दिखाओ, खा के निम्बन है, अब सक्की हो गया, सक्की हो गया, अब नहीं है, नहीं है, अब नहीं है। पोंट्री 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 पोंट्री, हाँ तुम पोंट्री पोंट्री हो। दोस्तों ये देखिए हमारा मसाला भी लगभग भुन ही चुका है, बंटू को हमने दूध पिला दिया है, वो अभी सोने के लिए रो रहा है। हम इसमें ग्रेवी डाल दें, पानी डाल दें, फिर उसके बाद चलेंगे बंटू को सुला देंगे। कितना सारा खिलौना देके आए, उसे ब्रश दियू, क्या 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 पता नहीं क्या क्या दियू, उठा के उसी से खेल रहा है। ये थोड़ा और भुन जाए उसके बाद पानी लगा देंगे और फिर चलेंगे बंटू को सुलाने के लिए। शान भी अभी तक भूखी है। भून चुका है दोस्तों मसाला, चलिए पानी लेके आते हैं, ठीक है। मसाला ने सारा तेल छोड़ दिया है, मसाला भून चुका है अच्छे से। चलिए हम पानी लेके आते हैं और पानी लगाते हैं। पानी डालने का समय आ चुका है दोस्तों, नीचे जल रहा है, अब मसाला जल जाएगा नहीं तो। आप सोच रहे होंगे ये तो गिलास मतलब अमनिया नहीं है, ये नॉनवेज वाला गिलास है, हम इसमें मतलब नॉनवेज खा के पानी खाते, वो वाला गिलास है। कितना पानी डाले सनबी के पापा, रात के आए, रात को आएंगे तो रात को खाएंगे ना, पानी कितना लगे आपको, जितना आप मतलब आपको कितना ग्रेवी चाहिए आप उस अनुसार से लगाइएगा। रेसिपी तो मुझे मालूम है आपको मतलब बहुत अच्छा लगा होगा मेरा रेसिपी। देखते हैं हम कितना पानी लगाते हैं, हम डाल देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम पानी लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो मछली बन के हो चुका है रेडी, हमने गैस के फ्लेम को ऑफ करके गैस को साइड करके रख दिया है और अभी हम सानवी को खिलाने जा रहे थे। तो देखिए मैं हम अंडा दिखाती हूँ आपको, ठीक है, इधर रहा, ये देखिए इससे नीचे कर देते हैं, ये और अच्छे से भीग जाए इसमें, ठीक है दोस्तों। तो हम आपको खा के टेस्ट बताएंगे कैसा बना है, आप सब भी जरूर ट्राई कीजिए। मछली के अंडा को ऐसे फ्राई करके जो है ना हमने बताया आपको रेसिपी में, वैसा एक बार आप सब जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो खाई हूँ बहुत बार, मेरा मन किया कि आज मैं आप सबको भी रेसिपी दिखा दूँ ऐसा वाला, हमारे यहाँ जैसा बनाते हैं मछली को ऐसे मतलब सब मिला के ऐसे काट के ग्रेवी में लगा के फ्राई भी खाते हैं, फ्राई भी बहुत 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 टेस्टी था, और ये ग्रेवी में का मतलब अंडा होता है वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। चलिए हम सनबी के लिए खाना निकाल के उधर रखे हैं, पानी निकाल लेते हैं और उसे खिला दे, 12 बज चुका है अभी तक वो भूखी है, तभी से अंडा खाई, 3 अंडा खा लिए, कभी नहीं मतलब अंडा उसे मतलब ज़्यादा पसंद नहीं है पर आज खा रही है, पता नहीं आज हमने कुछ अलग करके बनाया था, नहीं तो दूसरा दिन क्या करते हैं मतलब थोड़ा थोड़ा रहता था तो ऐसे ही नून हल्दी में ऐसे करके मिला के उसे मतलब फ्राई कर देते थे, आज थोड़ा ज़्यादा था तो मतलब हमारा दिमाग में ऐसा कुछ आया कि हमें ऐसा कुछ ट्राई करें आज, तो वैसे करके बनाए थे। चलिए सनबी को खिला देते हैं, आ जाओ बेटा,
बैठो बैठो, गाड़ा बच्चू का है। आ जाओ, बंटू सो चुका है। ये हमने सांगवी के लिए यहाँ पे खाना निकाल के रखा है, आ जाओ बैठो। हे दोस्तों, मैं बंटू छानवी यहाँ पे खेल रहे थी ना, और हम बोल रहे बंटू को कि इसे बड़ा, इसे फ्रेंड्स इसे बड़ा नहीं होना है, क्यों? तू छोटा ही है, तू छोटा ही अच्छा है, बड़ा होके बदमाशी करेगा इंसान की। आज आज का मछली का तो कोई मतलब जवाब ही नहीं ना, मतलब लाजवाब था। और वो ग्रेवी का जो अंडा था ना, उसका तो आप पूछिए ही मत, एकदम लाजवाब। तुम भी खाया ना? तू खाया? तूने खाया है नहीं बेटा? बंटू तूने खाया? बंटू ने नहीं खाया, उसने दाल चावल खाया। और सैमी ने भी मन भर के अंडा खाया है आज, तो अभी भी बहुत सारा। और रात के लिए सैमी के पापा नहीं खाया ना, तो क्या है कि हम बंटू से अभी बातें कर रहे थे, इससे हम बोल रहे हैं बड़ा नहीं होने के लिए, इससे हम किसके साथ खेलेंगे, किसके साथ? कोई खेलने के लिए चाहिए ना, दिन भर अकेले क्या करेंगे। सनबी बड़ी हो गई है, ये तू बड़ी क्यों हो गई सनबी? अभी स्कूल जाने लगी थी, तो इससे बोल रही हूँ इससे बड़ा नहीं होना है। सुन रहे आप सब, हम बड़ा हो गया, हमें पता है तुम बड़ी हो गई हो, तो बड़ी क्यों हो गई? चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर सोते हैं हम, और सो के उठेंगे। अभी तो मतलब कोई काम नहीं है, कपड़ा धोना है, सो के उठेंगे तो कपड़ा धोएंगे, ठीक है? चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं, सुबह से इधर से उधर, सुबह उठ के मार्केट चले गए, मतलब दाल चावल बनाए, सब काम खत्म किया, उसके बाद मार्केट चले गए नहा के, और इतना सारा कपड़ा जमा है। आज फ्राइडे, कल सैटरडे संडे, दो दिन पानी नहीं आएगा। पानी हमने टैंक खोल के देखा, पानी बहुत कम है, पता नहीं कैसे होगा। एक दो कपड़ा धो लेंगे, उसके बाद सारा कपड़ा छोड़ देंगे, धोएंगे मंडे को, मंडे को पानी आ जाता है ना, तो मंडे को धोएंगे। तो चलिए आराम करते हैं, सोते हैं। आप सभी खाना खा के, खाना खा के थोड़ी देर आराम कीजिए, और साथ में उठ के फिर से बातें करेंगे ढेर सारी, ठीक है? चलिए फिर। तो फ्रेंड्स, ना ही तो सानवी सोया, ना ही मतलब सानवी भी नहीं सोई, बंटू भी नहीं सोया, और वो दोनों ना ही सोया ना ही तो मुझे सोने दिया। इतना ज़्यादा बदमाशी कर रही थी सानवी भी, बंटू भी इतना मतलब रो रहा था, ना ही गोदी में छुप रहा था, ना ही कुछ भी नहीं। तो क्या है कि हमने ना ही तो हम आज सोए ना कुछ, तो हमने क्या किया आज, इतना सारा कपड़ा धोया, इतना सारा कपड़ा। और उधर क्या होता है कि उधर सिर्फ मम्मी जी का कपड़ा टंगाता है, क्योंकि बड़ा साड़ी होता है ना, तो इधर लटक जाएगा पूरा, तो उधर सिर्फ मम्मी जी का कपड़ा हम टांगते हैं, और इधर तो सब छोटा छोटा, सैनबी के पापा का ऐसा, हमारा बंटू का है, सब ऐसा रहता है, तो हम ऐसे ही इधर टांग देते हैं। चलिए बंटू को खिलाते हैं, सैनबी को खिलाते हैं, दोपहर तो हो चुका है, नाश्ता का वक्त भी हो चुका है, नहीं सोए तो क्या करें, बैठ के अब टी वी देखेंगे और मोबाइल चलाएंगे। इतना ज़्यादा नींद आ रहा था मुझे उस वक्त, पर दोनों ने मुझे नहीं सोने दिया, ना ही सोया ना ही सोने दिया कोई भी, बदमाशी कर रहा। अब जब शाम होगा तो शाम को दोनों ही सो जाएगा, देखिए खाएंगे आपको। चलिए तब तक खिला देते हैं दोनों को। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आज ही करते हैं, और रात का हमारा खाना, सबका खाना हो चुका है, मैं बर्तन धो रही थी, तो चलिए सोने के लिए चलते हैं। और आपको हमने जैसा रेसिपी बताया वैसा जरूर ट्राई किया, इतना खाली मतलब लग रहा है, अजीब लग रहा है, तो कल खाने वाला दिन नहीं था ना, तो मैं सानवी के पापा मिलकर सारा हमने खत्म किया आज। तो आप सब ट्राई कीजिएगा, एकदम ऐसा बना था, और उसका अंडा जो था ग्रेवी का, तो एकदम उसका तो जवाब ही नहीं था। तो प्लीज़ आप सभी बार ट्राई कीजिएगा, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आया हो तो जाके पहले मतलब पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जाके पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे